हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सार्थक एंड ये जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। जिस किसी ने भी आरआरबी क्लर्क का अगर प्री दिया होगा उसे पता है कि एग्ज़ाम सेंटर में क्या होता है। एग्ज़ाम सेंटर में स्क्रीन को आपको स्क्रॉल तो होता नहीं है, स्क्रॉल तो होता ही नहीं है, आपको माउस के थ्रू ही अप डाउन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर हम प्रैक्टिस करें 3-4 दिन तो आई थिंक सफिशेंट रहेगा। और थोड़ा स्क्रीन भी थोड़ी जूम होती है, ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे स्क्रीन पे ये जो मॉक्स हैं स्मार्ट कीड़ा के, मैंने ये दो मॉक्स, ये मतलब ये तो मैंने कल दिए थे, ये मैंने मॉक आज दिया था वो भी जूम करके। ठीक है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि जूम करके थोड़ा कैसा दिखता है। ये थोड़ा मतलब बहुत ही ज़्यादा जूम हो जाएगा वो। ठीक है, आप देख सकते हैं ये 125 पे है। ठीक है, तो ये है जूम करके, अब आप देख रहे होंगे ये नहीं दिखेगा, तो मैंने क्या करा है इसको यहाँ पर फुल स्क्रीन कर दी। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन ही देखने में कितना बड़ा लग रहा है। तो जब आप जूम कर देंगे तो आपको उसकी मतलब हैबिट लग जाएगी कि आपको, हाँ आपको पता है कि उस दिन आपके साथ जो होना है वो यही होना है। ठीक है, जैसे मैंने आज एक स्मार्ट कीड़ा का मॉक दिया था, गाइडली के तो मेरे सारे फुल हो चुके हैं, और एक टेस्ट बुक का मेरे को एक पास मिला था फ्री का, तो मैंने आज टेस्ट बुक के भी लगाए। आप देख सकते हैं स्क्रीन कैसी लग रही है, ये भी 125 में। ठीक है, अब आपको देखो स्क्रॉल करना पड़ रहा है बार बार, ये देखो नीचे ये स्क्रॉल करना पड़ रहा है। तो यही मैं आज पूरे दिन कर रहा हूँ, जैसे मैंने स्मार्ट कीड़ा के साथ करा, ये मैंने टेस्ट बुक का पहली बार मैंने मॉक दिया है। ठीक है, और पूरा स्क्रीन को स्क्रॉल कर दिया था, मतलब पूरी स्क्रीन को 125 पे कर दिया था, ताकि जैसा एग्ज़ाम में होगा सेम वैसा मैं यहाँ पर फेस करूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रॉल करना पड़ रहा है बार बार, ऑप्शन के लिए भी नीचे ऊपर जाना पड़ रहा है, फिर देखना है कि कौन सा हमने कर दिया कौन सा नहीं करा। ठीक है, क्वांट में भी सेम चीज़ वही है, आप देख सकते हैं, बट ये है यहाँ पर हिंदी वगैरह ज़्यादा नहीं आ रही है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको पता है आपकी हिंदी भी ऑप्शन में होते हैं, जैसे एक हिंदी का 178 लिखा होगा, फिर एक इंग्लिश का 178 लिखा होगा। ठीक है, तो आप इसी चीज़ की प्रैक्टिस करें 3-4 दिन आप पे जो भी हैं, क्योंकि आप सबने मॉक तो बहुत सफिशिएंट लगा दिए होंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम था, हम सबका एग्ज़ाम था। ठीक है, मेरा एग्ज़ाम 20 तारीख को है, आई थिंक थर्ड या फोर्थ शिफ्ट है वो, 3:45 की जो जो शिफ्ट होती है वो मेरी शिफ्ट है। ठीक है, और एक मैंने पहली बार दिया था ये टेस्ट बुक का, तो मेरे को तो एग्ज़ाम लेवल का ही लगा, मतलब ज़्यादा ना ऊपर, ज़्यादा मतलब ज़्यादा ऊपर भी नहीं था, एग्ज़ाम लेवल था। आप देख सकते हैं स्कोर, ये 58 आया स्कोर, 63 अटेम्प्टेड। ठीक है, एक और मैंने इसका दिया था, ये टेस्ट नंबर 29 था, और एक था, थोड़ा स्लो खुलता है टेस्ट बुक का। ठीक है, और एक कौन सा था, एक था सबसे लास्ट 29 वाला। ठीक है, एक था 29, मैं उसके भी आपको स्कोर्स दिखा देता हूँ, क्योंकि अब ना आपके, आप सबको पता है अब हम मॉक क्यों देते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए, कभी स्कोर ज़्यादा आएगा कभी स्कोर कम आएगा, हमें प्रैक्टिस करते रहनी है। ठीक है, अब मैं दिखा देता हूँ, जैसे ये सॉल्यूशन है यहाँ पर इसका, अब ये स्क्रीन मैंने 125 पे करी हुई, अब यहाँ देखो एक क्वेश्चन आया इसको स्क्रॉल करना पड़ा, अब वैसे ही सेम चीज़ आपको स्क्रॉल करनी पड़ेगी तो आपकी हैबिट लगेगी। आज मैंने 3 मॉक दिए सेम चीज़ करके, मतलब 125 पे जूम कर दिया एंड सेम चीज़ करी। ठीक है, बस ये है कि इनमें हिंदी का पार्ट नहीं था, जैसे ये था हिंदी का पार्ट आता है आपको पता है, बट इसमें हिंदी का पार्ट नहीं है, बट स्क्रीन हमने पूरी जूम कर दी। ठीक है, यहाँ देखो ये कितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, इसमें मेरा क्या स्कोर था, इसमें मेरा स्कोर था 46 जूम करके, मतलब एक हैबिट डलाने की कोशिश करी है आज मैंने, ताकि एग्ज़ाम के दिन कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन पैनिक तो होता ही है थोड़ा बहुत, अगर वो हम अपने मॉक में ही पैनिक हो जाएं तो वहाँ पर हम मे भी थोड़ा काम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप सब भी अगर आप मॉक देते हैं तो प्लीज़ 125 पे करके जूम पे करके दें। ठीक है, और इसमें मेरा स्कोर क्या रहा था, इसमें स्कोर आई थिंक मेरा 60 कुछ रहा था। ठीक है, तो जो एक जो मैंने ऑब्ज़र्व करी है वो चीज़ कि स्मार्ट कीड़ा के थोड़े हाई लेवल के हैं, एंड जो ये टेस्ट बुक का है ये बहुत एग्ज़ाम लेवल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने इस वीडियो में बात करी है कि आप जूम करके पेपर दें, और अब जितने आप रिवाइज़ कर सकते हैं,
अब आप रिवीजन पे ध्यान दें, ठीक है? क्योंकि अब क्या होगा, अब आप मॉक्स तो लगा देंगे क्योंकि आपको कुछ लर्न तो होगा नहीं अब 3 4 दिन में। अब आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन जो रहेगा, जैसा कि मैं करूँगा, अब मैंने ये इतने सारे मॉक्स दिए हैं, ठीक है, मैं इन मॉक्स वो करूँगा, एक बार देख लूँगा, गो थ्रू कर लूँगा कि मैंने कैसे कैसे चीज़ों को करा था, किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगा था। तो ये चीज़ मैं अब से 3 दिन करूँगा, ठीक है? क्योंकि अब नए मॉक देने से आई डोंट थिंक की कोई फ़ायदा है, क्योंकि हमें जितना आता है वो अब 3 4 दिन में और तो आ नहीं जाएगा, ठीक है? तो यही चीज़ मैं अब करूँगा। अब यहाँ देखो, 20 मॉक्स मैंने ये गाइडली के दिए हैं, 20 तक मैंने ये स्मार्ट कीड़ा के दिए हैं। तो सफिशेंट मॉक्स की अगर मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ, सिर्फ रिवीजन भी कर लेता हूँ, आई थिंक बहुत रहेगा, ठीक है? और जूम वाला फैक्टर तो मैंने आपको बताया कि आप जूम वाले फैक्टर को अपने मॉक में इंक्लूड करें, ठीक है? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स थी हम सभी के लिए, क्योंकि हमें पता है कि क्लर्क का पेपर में क्या हुआ था, लेवल भी थोड़ा आया था, प्लस यहाँ पर ये स्क्रॉल वाली दिक्कत भी सबको हुई थी, ठीक है? तो क्यों ना हम 20 और 21 के लिए पहले से प्रिपेयर रहें, और जूम वाले को हम कर सकते हैं तो हम प्रैक्टिस में लाते हैं, ठीक है? क्योंकि लेवल का तो पता नहीं एग्ज़ाम में क्या होना है, ठीक है? तो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड आप इस सजेशन और एडवाइस पे काम भी करेंगे, ठीक है? एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को, एंड प्लीज़ चैनल को शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।